नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस तरह से एक कोस्टर बनाएंगे। इसे मैंने दो रंगों से बनाया है। दो रंग हम कोई से भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और इसको मैंने सेंटर से शुरू करते हुए पांच कोनों में बढ़ाते हुए इसको इस तरह से बनाया है। इसे बनाने के लिए हम पहले ये एक मैंने ये रंग लिया है, इसको हमने ऐसे इसको हमने सेंटर में ही बिल्कुल गैप नहीं छोड़ना है इसमें, जैसे ये इसमें मैंने नहीं छोड़ रखा। इसके इसके लिए हम पहले इसमें इस तरह से गांठ लगा लेंगे। और अब हम इसमें ये 10 चेन डालेंगे। पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब ये जो हमने रिंग बनाया है इसमें ये वाला, इसके बीच में से हम ऐसे 10 चावल बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए इसमें 10 बना लिए मैंने, 10 चावल बना लिए। अब मैं इसको पकड़ के ऐसे खींचूंगी तो ये इस तरह से बिल्कुल इसमें गैप नहीं आएगा। अब हमने इसको जो पहले 3 चेन बनाई थी उसमें से ये 1 2 और ये 3, तीसरी चेन में हमने इसको ऐसे देख के और ये यहाँ से इस तरह से जोड़ देना है। देखिए ऐसे इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम इसमें 8 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन लेने के बाद हम 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे इसमें, 1 2। अब हमने जो ये 8वीं चेन ली थी इसमें हमने बल लेके इस तरह से इसको घुमा लेना है। ये जो हमारे हैं ये देखिए इसमें दिखाई दे रहे होंगे आपको, इसको पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने चेन बनाई है, ये इसकी सीधी साइड है, और ये जो हमने उल्टे करेंगे ये देखिए इसमें ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाले ये जो उठे हुए हैं इनमें से हमने लेना है बल लेना है, और ये 2 चेन छोड़ के और ये इसको ऐसे घुमा के और ये यहाँ से ये देखिए इस तरह से पीछे से लेना है। ये चावल बना लेना है हमने, ये जो हम बल लेंगे दूसरा ये यहाँ से इसको ऐसे निकालना है 2। ये देखिए ये हमने 8 चेन ली थी तो ये 8 ही हम पीछे से निकालेंगे। ये आगे से नहीं ले रहे हम, देखिए हम ये पीछे से ले रहे हैं यहाँ से, ये वाला चीज है जो ये ये हमने 8 चेन ली थी तो हम ऊपर इसमें 8 चावल बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए हमारे। और अब हमने ये इसको सीधी साइड से ये हमारी है, इसको हमने 1 चेन छोड़ देनी है ये वाली, और इससे अगली चेन में हमने ऐसे इस तरह से लेंगे ये जो चावल है, तीसरा चावल लगा लो इसमें से, ये पहला चावल एक दूसरा चावल छोड़ दिया, तीसरे में से हमने इस तरह से निकालना है। देखिए ये छोड़ा इसमें से ऐसे और फिर हमने ये ऐसे, ठीक है। अब फिर से वैसे ही हम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही ले ली हमने, 9 10। और अब हम पीछे से इसको घुमा लेंगे ऐसे और हमने बल लेना है और 2 छोड़ के ये जो हमने तीसरी ली थी 1 2 यहाँ से इसमें से हमने ऐसे बल लेना है। ये पीछे से देखिए अपने आप पता लग रही है, थोड़ी उठी उठी सी दिखेगी। इसमें से हम फिर से वैसे ही 8 लेंगे,
ये हमारे पास 8 हो गए इस तरह से। और इसको हम हमने ये एक छोड़ देना है, इससे आगे इसमें इस तरह से जोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से बनेगा। अब हमने इसमें मैंने पीछे से ये गांठ लगाई है और इसमें दूसरा धागा शुरू किया। अब ये यहाँ से हमने लेना है, सेंटर से लेंगे इसके, और इसको यहाँ से देखिए ये जो सेंटर है इसमें, यहाँ से इसमें डालेंगे और इसको हमने ऐसे ले लेना है एक बल लेके, और ये 2 का 1 और फिर 2 का 1 इस तरह से। अब हमने ये जो 8 बनाए हुए हैं इसमें से हमने 1 2 3 तीन में से निकालना है ऐसे इस तरह से, और ये ऐसे। अब हमने घूम जाना है। अब हम दो चेन लेंगे, 1 2 2 चेन लेंगे। जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पे हमने इसको लेके जाना है, ये यहाँ से ऐसे, ये इस तरह से, और ये यहाँ से निकाल देना है। अब हमने घूम जाना है ऐसे, और इसको धागे को ऐसे पीछे ले जाके बल लेते हुए, और ये जो हमने 3 तो बना लिए, अब हमारे ये हमने चौथे में ऐसे इस तरह से बना लेना है। देखिए ऐसे तीन तो यही होंगे हमारे, 4 5 6 7 और ये हमारा 8। इसमें अब हमने जो 8वां है हमारा, इसमें हमने 2 डालने, 8 और 1 9 करने। अब बल लेके रखना है और अब लेना, और ये जो हमारी 2 की चैन बनाई थी इसमें से हमने 3 लेने, चावल 3 चावल लेंगे, 1 2 और ये अपना 3। अब फिर से वही जैसे ये वाला था हमारा, ये देखिए ये जो चावल था जिसमें से हमने 8वें चावल में से 2 लिए थे, इधर भी उसी 8वें चावल में से उल्टी साइड है ये दूसरी साइड इसकी घूम के, और इसमें से हमने फिर से 2 लेने हैं, 1 2। कि जैसे ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से गुलाई आ जाएगी, जैसे इनमें आई हुई है ये गुलाई आई हुई है, वही चीज़ यहाँ पे आएगी। इस तरह से बना लेने हमने। अब फिर हमने इसमें से ले लिया और आगे हम पूरे ऐसे ही चलेंगे, 2 ये हमारा 8वां आ गया। ये यहाँ से ऐसे, ये देखिए ये फिर से वही चीज आ गई हमारी जो हमारी यहाँ पे थी। अब हमने इसको ये बल लिया यहाँ, और इसको हमने 1 2 3 तीन में यहाँ जोड़ा इस तरह से, ये ऐसे घूम गए हम, घूम गए हमने। अब 2 चेन ली, 1 2 दो चेन लेके हमने 1 2 यहाँ से ऐसे 2 3 तीसरे में ऐसे करा इस तरह से, और फिर हमारा ये वही चीज़ शुरू होगी। इसको हमने धागे को वैसे ही पीछे लेके गए और ये हमारी वही चीज़ फिर से शुरू होगी। अब फिर से हमने 8वें में हमने ये जो यहाँ पे 8वां है इसमें हम 2 लेंगे, 1 2 और इससे आगे हमने 3 लेने,
ये जो चेन हमने दो की छोड़ी थी उसमें हमने ये वाली जो चेन छोड़ी थी यहाँ से दो की, इसमें हमने तीन तीन लेने हैं। या हम अपनी ऊन का हिसाब देखेंगे कि यदि हमारी ऊन में यहाँ पे झोल पड़ रहा है तो हम उसमें ज़्यादा चावल बनाएंगे, यदि झोल नहीं पड़ रहा है जैसे इसमें झोल नहीं पड़ रहा था तो इसमें मैंने ये तीन लिए। इस तरह से बनाते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से ऐसे ओके, और जैसे हमने पहले किया था एक दो ये तीसरे में से निकल के ऐसे, और ये यहाँ से बस। अब ये देखिए ये हमारे पास इस तरह से दूसरा कलर लग गया। अब हमने इसमें तीसरा कलर लगाना है, जैसे मैंने इसमें लगाया हुआ है वही वाला, जैसे ये पर्पल है ये तो ऊपर तीसरे उसमें तीसरी लाइन शुरू होएगी तो तीसरे में ये पर्पल लगेगा। इसमें हम मल्टी कलर भी लगा सकते हैं और अपनी इच्छा से हम इसे जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। उम्मीद है आज आपको ये कोस्टर बनाना आसान लगेगा और पसंद आएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।